अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक यूनिक और बहुत ही लाजवाब ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसका नाम है स्टफ अंडा पराठा। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ख़ासकर ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ये आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसे बनाना चाहें तो। एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने का दिल चाहेगा। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक डो तैयार करेंगे। तो एक कटोरी गेहूँ का आटा और एक कटोरी मैदा लिया है और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे और इसके अंदर एक छोटा चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और दो बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम बिल्कुल सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल चपाती या पराठे का गूंथते हैं बस उसी तरह से। आप चाहे तो सिर्फ मैदे का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से पंच लगाकर हमें अच्छे से इसे गूंथ लेना है और इसे रेस्ट देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपरी परत सूखे नहीं। तो ऑयल लगाकर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक वो रेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर 3 अंडे को हमने तोड़ लिया है और इसके अंदर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किए हुए ऑनियन, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया और हरा पुदीना इसमें मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला आधा छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है। अब इसके साथ ही हम नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें कैरेट या फिर कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद अब इसे हम छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा डो कितना सेट हो चुका है। तो देखिए 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इसके ऊपर से हम एक लुआ ले लेंगे और इसे अच्छे से हम चिकना कर लेंगे हथेलियों से। आप जैसे भी चिकना करते हैं बस आप इसे अच्छे से चिकना कर लीजिएगा, जैसे आप पराठे या चपाती को बनाते हैं। अब इसके ऊपर सूखा मैदा या फिर सूखा आटा आप ले लीजिए और इसे अच्छे से बड़ा कर लीजिएगा और इसे अच्छे से एक गोल रोटी हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का पराठा तैयार करनी हुआ। आप चाहे तो रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल भी पराठा बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से सर्कल भी बना सकते हैं। तो इसे ऊपरी परत पे अच्छे से मैंने ऑयल लगा लिया है और इसके ऊपर सूखा आटा मैंने अच्छे से डस्ट कर लिया है और फिर से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि परत जो है अच्छे से खुल जाए ताकि हम इसके अंदर स्टफ कर सके हमारे अंडे के बैटर को। अब इसके वन साइड को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम मैदा लगा देंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करके इस पर सूखा मैदा या फिर आटा आप अच्छे से लगा दीजिएगा और इसे इस तरह से चारों साइड से हमें सील कर देना है ताकि जब हम इसे अच्छे से जब बेलेंगे तब ये खुल ना जाए। अब सूखा मैदा भी से लगाकर अच्छे से हमें इसे बड़ा कर लेना है हथेलियों की सहायता से। अब हम इस पे बेलन चला लेंगे और इसे बड़ा सा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से राउंड राउंड आप जैसे बेलन चलाते जाएंगे ये अपने आप ही स्क्वायर शेप में बन जाएगा। तो पराठा हमने यहाँ पे बेल लिया है तो अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवे को गर्म कर लिया है, अब इसके ऊपर ही हम इसे डाल देंगे और इसकी एक साइड जब अच्छे से थोड़ी सी सिक जाएगी तब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो टर्न करने के बाद इसकी दूसरी साइड को हम बिल्कुल अच्छे से सेकेंगे दबा दबा कर। आप चाहे तो कपड़े की सहायता से भी इसे दबा दबा कर अच्छे से सेक लेना है चारों तरफ से। तो देखिए अब इसे हम टर्न कर लेंगे और इसे कपड़े की सहायता से फिर दबा दबा कर अच्छे से सेक लेंगे। इससे क्या होगा कि पराठे की जो परत होती है ना वो अच्छे से खुल जाएगी और एक स्पैचुला की हेल्प से आप अंदर तक इसे इस तरह से खोल सकते हैं और जबकि हम इसमें स्टफ भरेंगे ना तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमें अंदर स्टफ भर लेना है अंडे की जो हमने बैटर तैयार करके रखा है और इसे अच्छे से 3 से 4 चम्मच आप इसमें ऐड कर लें और अंदर तक भर लीजिएगा। आप इसे आयरन के तवे पर भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक के तवा का इस्तेमाल किया है लेकिन उसमें भी मैंने बनाया है, कोई भी तकलीफ नहीं आती है। तो देखिए इस तरह से एक साइड जब तो क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसे टर्न कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल बटर या घी आपको जो भी पसंद है आप इसमें डालकर और इस पराठे को अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पे इसे अच्छे से कुक करना है। हाई फ्लेम पे इसे या मीडियम पे मत कीजिएगा वरना अंदर का जो स्टफिंग है वो कच्चा रह जाएगा। तो बिल्कुल स्लो आँच पर इसे अच्छे से कुक करना है ताकि ऊपरी परत जो है वो क्रिस्पी हो जाए और हमारा जो अंडा है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट में ये पराठा तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना फूलकर डबल हो चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अंडा है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और ऊपरी परत भी इतनी ही क्रिस्पी हो गई है। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म अंडा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं ताकि अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को खाने में बहुत ही आसानी होगी। और इसे हम अंदर से तोड़कर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर की अंडे की फीलिंग कैसी आई है। तो ये देखिए हमारा जो अंडा है वो बहुत अंदर से कुक हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के अंडे पराठे पसंद हैं या फिर कौन सी शेप की आपको ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह की बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।